हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। हमारे अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद सुनील तेत्रवाल में आपका स्वागत है। चैप्टर नंबर 7 के फर्स्ट पार्ट में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा था। अब हम डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के बारे में बात करेंगे। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलज के बारे में बात करेंगे। इसके फॉर्मूले हैं, हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन 6 साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक उनके फॉर्मूले लिखे थे। इसी प्रकार हमें इनवर्स के फॉर्मूले देख रहे हैं। देखो, साइन इनवर्स एक्स है उसका फॉर्मूला होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है साइन इनवर्स एक्स का, 1/√1 − x² होता है। कोस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, −1/√1 − x² होता है। टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 + x² होता है। कोट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन −1/√1 + x² होता है। सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/√x² − 1 होता है। कोसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है −1/√x² − 1 होता है। अब देखो, इसमें आपको तीन फॉर्मूले याद करने हैं, साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स। साइन का होता है वही कोस का होता है, केवल नेगेटिव साइन आया। साइन का 1/√1 − x² है, कोस का −1/√1 − x² है। टेन इनवर्स एक्स का 1/√1 + x² है, कोट इनवर्स एक्स का −1/√1 + x² है। सेक इनवर्स एक्स का 1/√x² − 1 है, कोसेक इनवर्स एक्स का −1/√x² − 1 है। इनके प्रूफ आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, केवल फॉर्मूले याद कर लेना। प्रूफ फिर भी मैं एक प्रूफ बता देता हूँ आपको, इसका प्रूफ करके बता देता हूँ। देखो, y इक्वल्स टू क्या है, साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स इधर जाएगा, क्या बनेगा, साइन y इक्वल्स टू x। अब क्या कर देंगे, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। और x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो साइन का क्या हो जाएगा, कोस y। साइन का कोस y हो गया। अब देखो, साइन का वाई तो कोस वाई, वाई का फिर होगा, वाई का क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स। एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में कितना होता है, 1। एक्स का एक्स के सापेक्ष क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखो, कोस वाई है, इसको इधर लेके आएंगे, इधर लेके आएंगे तो ये कहाँ आएगा, डिवाइड में आएगा, 1/cos y। हमारे पास वैल्यू किसकी है, साइन वाई की है, न कि कोस वाई की। अब साइन वाई की वैल्यू है तो इसको साइन में कन्वर्ट करने के लिए हम जानते हैं क्या, साइन स्क्वायर वाई प्लस कोस स्क्वायर वाई इक्वल 1 होता है, होता है। यहाँ से कोस वाई की वैल्यू निकालें तो कोस स्क्वायर वाई की वैल्यू, ये स्टेप इधर आएगी तो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। और कोस वाई की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ रूट लग जाएगा। स्टेप क्या आ गई, 1/√1 − sin² y। साइन वाई की वैल्यू कितनी है, एक्स, यहाँ एक्स रख देंगे, 1/√1 − x², ये डी वाई डी एक्स। वाई की वैल्यू पुट कर दो, वाई की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हमने निकाला क्या है, 1/√1 − x², यही तो आएगा। इसी प्रकार कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स के भी प्रूफ हम कर सकते हैं, परंतु आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आपके उन फॉर्मूले ध्यान में रखना। अब इनसे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स √cos x। अब इसका डिफरेंशिएशन करना आपको, देन फाइंड dy/dx की वैल्यू यहाँ से निकालनी है। तो dy/dx की वैल्यू निकालने के लिए देखो, यहाँ इसको हम u मान के भी कर सकते हैं। इसको अगर u मान लेंगे तो साइन इनवर्स u बनेगा, उस कंडीशन में y फंक्शन बन जाएगा u का, तो यहाँ से dy/du निकलेगा, फिर du/dx निकालना पड़ेगा, तो क्वेश्चन ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसको हम सीधा ही कर देंगे सोल्व। देखो, सीधा कैसे सोल्व करते हैं, डिफरेंशिएशन कर दो इसका, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इधर तो क्या आएगा, dy/dx। साइन इनवर्स x का क्या होता है, 1/√1 − देखो यहाँ पे साइन इनवर्स x है, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो क्या होता है, 1/√1 − x² होता है। यहाँ पे x है तो यहाँ पर x आया है, यहाँ पर x की जगह क्या है, √cos x है, तो √cos x आएगा, और √cos x है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, क्या बन जाएगा, cos x। अब देखो, ये साइन इनवर्स का हुआ है, अब किसका होगा डिफरेंशिएशन,
रूट कोस एक्स का डिफ्रेंशिएशन फिर होगा यहाँ पर, रूट कोस एक्स का डिफ्रेंशिएशन हमें फिर करना पड़ेगा। रूट कोस एक्स का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, देखो रूट कोस एक्स का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो पहले पावर का होता है, ये बात मैंने बताई थी आपको, पहले पावर का होता है, तो पावर यहाँ पर रूट है तो रूट का पहले करेंगे। और मैंने आपको कहा था कि डी रूट एक्स है उसका डिफ्रेंशिएशन आप याद ही कर लेना फॉर्मूले के रूप में। रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, वन अपॉन टू रूट एक्स होता है, एक्स की पावर एन वाले फॉर्मूले से निकालते हैं इसको, तो वन अपॉन टू रूट एक्स, यहाँ एक्स होता है तो एक्स आता है, कोस एक्स है तो क्या आ जाएगा, कोस एक्स आ जाएगा। क्या स्टेप बनेगी, वन अपॉन टू रूट कोस एक्स। अब डिफ्रेंशिएशन किसका करेंगे, देखो रूट कोस एक्स का वाई, तो अब किसका करेंगे, कोस एक्स का डिफ्रेंशिएशन फिर करेंगे। और कोस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, तो ऊपर तो क्या आ गया माइनस साइन एक्स, नीचे स्टेप क्या है, टू रूट कोस एक्स रूट वन माइनस कोस एक्स, ये आंसर आ जाएगा। देखो रूट कोस एक्स है उसका डिफ्रेंशिएशन हमने जानते हैं क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, फर्स्ट पार्ट में हमने बात की थी इसकी, कोस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, नीचे वाली स्टेप ऐसे ऐसी, ये इसका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, यहाँ वाई इक्वल टू साइन इनवर्स में स्टेप दे रखी है, डिफ्रेंशिएशन किया है साइन इनवर्स की वजह से, वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो एक्स की जगह ये स्टेप थी, स्क्वायर किया रूट हट गया, रूट कोस एक्स का करेंगे तो वन अपॉन टू रूट कोस एक्स आ गया, फिर कोस एक्स का फिर करेंगे, कोस एक्स का फिर करेंगे तो क्या आ गया, माइनस साइन एक्स आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई इक्वल साइन इनवर्स टू एक्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप अगर सीधा फॉर्मूला लगाओगे तो क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा, कर ही नहीं पाओगे, क्यों, क्योंकि साइन इनवर्स का होता है वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, वन माइनस एक्स की जगह क्या है, टू एक्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर है, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा आपको, फिर इसका फिर डिफ्रेंशिएशन करोगे तो यू डॉट वी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, फिर रूट का करना पड़ेगा, यानी स्टेप बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए इसको इजी तरीके से बनाने के लिए देखो थोड़ा सा इसको सोल्व करेंगे। सोल्व कैसे करते हैं, एक बात ध्यान में रखना, बाहर अगर साइन इनवर्स है तो अंदर स्टेप आपको साइन की बनानी है, क्योंकि साइन इनवर्स को साइन ही कैंसिल कर सकता है, कोस टेन कोट सेक कोसेक ये कैंसिल नहीं कर सकते, साइन इनवर्स को साइन कैंसिल कर सकता है, तो साइन बनाने के लिए या तो यहाँ साइन टू थीटा बनेगा या साइन थ्री थीटा बनेगा, या तो साइन टू थीटा बनेगा या साइन थ्री थीटा बनेगा। साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, इलेवंथ क्लास में पढ़ चुके हो आप, टू साइन थीटा कोस थीटा, टू साइन थीटा कोस थीटा होता है। साइन थ्री थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा होता है क्या, इन दोनों में से इसकी सकल किसमें मिल रही है, इसमें मिल रही है क्या, ऐसी तो कोई स्टेप ही नहीं है यहाँ पे, नहीं है, यहाँ देखो टू है तो टू है, एक्स है यहाँ पे साइन है, तो एक्स की जगह अगर साइन थीटा रख दें तो ये स्टेप बन सकती है, और बन सकती है इसका मतलब यहाँ क्या बन जाएगा, साइन टू थीटा बन जाएगा। ये बनाने के लिए यहाँ पर एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे, साइन थीटा पुट कर दिया, एक्स की जगह साइन थीटा पुट करेंगे तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आएगी, साइन इनवर्स एक्स, ये हमारे लास्ट में काम में आएगी, वापस पुट करनी पड़ेगी। अब एक्स की जगह साइन थीटा इसमें पुट करो तो वाई की वैल्यू क्या आ गई, साइन इनवर्स एक्स की जगह क्या रख दिया, साइन थीटा रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल वन होता है, साइन स्क्वायर थीटा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन इनवर्स टू साइन थीटा रूट कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे, क्या बनेगा, कोस थीटा बनेगा, टू साइन थीटा कोस थीटा, टू साइन थीटा कोस थीटा फॉर्मूला क्या होता है, साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स साइन टू थीटा, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, क्या बना, टू थीटा बना। अब टू थीटा है तो थीटा की वैल्यू रख दो यहाँ पे, थीटा की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स एक्स है, क्या बन गया, टू साइन इनवर्स एक्स, ये वाई की वैल्यू आ गई। अब इसका क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, अब लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका डिफ्रेंशिएशन अगर करेंगे तो वाई का तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, टू ऐसा ऐसा इधर किसका होगा, साइन इनवर्स एक्स का होगा,
और साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर होता है। क्या होता है, रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। साइन इनवर्स टू एक्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर था, यहाँ इस स्टेप को छोटी स्टेप बनाने के लिए हमने एक्स की जगह क्या पुट किया, साइन थीटा पुट किया, तो साइन थीटा पुट किया तो यहाँ टू साइन थीटा कोस थीटा बन गया। जो साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो गया, टू थीटा, थीटा हमने हमारी तरफ से मान रखा था, तो इसकी वैल्यू वापस पुट करेंगे, क्या है साइन इनवर्स एक्स। अब इसका एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन किया है, एक्स के सापेक्ष अवकलन किया है, अवकलन करेंगे तो क्या हो गया, टू डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला हम जानते हैं, वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर हुई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कोस इनवर्स वाई इक्वल्स टू कोस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन है। अब इसको भी देखो आपको सोल्व करना पड़ेगा, सीधी सी बात है, बाहर कोस इनवर्स है तो अंदर या तो कोस टू थीटा बनेगा या कोस थ्री थीटा बनेगा, कोस टू थीटा बन कोस टू थीटा या कोस थ्री थीटा ये बनेगा, कोस थ्री थीटा तो नहीं बन सकता। कोस टू थीटा के फॉर्मूले देखो, चार फॉर्मूले होते हैं, पहला होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी शक्ल इसमें नहीं मिल रही, ये नहीं लगेगा। दूसरा फॉर्मूला होता है टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन, इसकी शक्ल भी इसमें नहीं मिल रही, ये भी नहीं लगेगा। वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, इसकी शक्ल भी इसमें नहीं मिल रही, नहीं होगा। एक टेन की फॉर्म में फॉर्मूला होता है वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसकी शक्ल इसमें मिल रही है। देखो सेम प्रोसेस है, एक्स की जगह क्या आ रहा है, टेन आ रहा है, तो एक्स की जगह क्या पुट कर दें, टेन थीटा अगर एक्स की जगह पुट करते हैं तो ये फॉर्मूला यहाँ लग जाएगा, लग जाएगा या नहीं लग जाएगा, तो एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, टेन थीटा पुट कर देंगे इसमें, एक्स इक्वल्स टू टेन थीटा पुट करेंगे, और एक्स इक्वल्स टू टेन थीटा पुट करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, देखो थीटा की वैल्यू क्या जाएगी, टेन इनवर्स एक्स, ये हमें लास्ट में वापस रखनी है। एक्स की जगह टेन थीटा पुट करेंगे, वाई की वैल्यू क्या आएगी, कोस इनवर्स वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला किसका है, कोस टू थीटा का फॉर्मूला है, कोस से कोस इनवर्स कैंसिल हो गया, स्टेप क्या आ गई, टू थीटा आ गई, थीटा की वैल्यू वापस पुट कर दो, क्या है, टेन इनवर्स एक्स। अब क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसका, डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई इधर तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, टू टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा, इधर क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा, और टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा तो क्या बनेगा, टू टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई क्या, यानी कि वाई इक्वल टू कोस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर था, एक्स की जगह क्या पुट किया, टेन थीटा पुट किया, टेन इनवर्स एक्स थीटा की वैल्यू आ गई, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला किसका होता है, ये फॉर्मूला होता है कोस टू थीटा का, टू थीटा गया, कोस से कोस इनवर्स कैंसिल हो गया, थीटा की वैल्यू वापस पुट कर दी, क्या, टेन इनवर्स एक्स, टू टेन इनवर्स एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ये आंसर आ जाएगा। बात समझ आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल्स टू टेन इनवर्स सेक थीटा प्लस टेन थीटा, y इक्वल्स टू टेन इनवर्स सेक एक्स, सॉरी सेक एक्स प्लस टेन एक्स, देन फाइंड dy वाई बाई डी एक्स। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले देखो थोड़ा सा इसको सोल्व करते हैं, टेन इनवर्स सेक को क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन कोस एक्स लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, टेन को क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स अपॉन
कोर्स तक ले सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना थोड़ा सा। यहाँ देखो y इक्वल टू sec x होता है, वो cos का अपोजिट होता है, तो sec को 1 अपॉन cos लिख दिया, tan sin अपॉन cos होता है लिख दिया। y इक्वल टू क्या आ गया, tan इनवर्स, LCM क्या आएगा, cos x LCM आ गया, ऊपर स्टेप क्या आ गई, 1 प्लस sin x। अब देखो इतनी बड़ी स्टेप का भी हम सॉल्व नहीं कर सकते, tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर होता है, तो 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर u अपॉन v से इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो बहुत लंबा हो जाएगा क्वेश्चन, इसलिए इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं हम। और सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ 1 प्लस, अब देखो साइन 2x का फॉर्मूला हम जानते हैं, साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन x कोस x होता है या नहीं होता, यानी कि यहाँ पर 2x आता है तो यहाँ पर केवल x आता है, इसका हाफ आता है, देखो यहाँ पर 2x है तो यहाँ पर क्या है, x आया, हमारे पास यहाँ पर क्या है, x, तो हमें x का फॉर्मूला लगाना है, x का फॉर्मूला लगाना है, तो यहाँ देखो 2x है तो इसका हाफ क्या आया, x आया, अगर यहाँ पर x होगा तो x का हाफ क्या आएगा, x बाई 2 यहाँ पर आएगा, तो ये फॉर्मूला यहाँ यूज करते हैं, क्या हो जाएगा, 2 साइन x बाई 2 कोस x बाई 2, ये फॉर्मूला यहाँ यूज कर सकते हैं। कोस एक्स है, कोस एक्स, कोस टू एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कोस टू एक्स का फॉर्मूला होता है, यहाँ पर देखो टू एक्स आया तो इसका हाफ एक्स आया है, अगर एक्स होगा तो एक्स का हाफ क्या हो जाएगा, एक्स बाई टू आएगा, तो ये फॉर्मूला यहाँ लगा दें, क्या हो गया, कोस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है यहाँ तक, 1 प्लस साइन एक्स कोस एक्स, साइन एक्स का फॉर्मूला लगाया, 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2 और कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, टेन इनवर्स 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ऐसा लिख सकते हैं, 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2 अपॉन, ये देखो ये कैसे लिखा, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, होता है नहीं होता, तो यहाँ से हमने एक्स बाई 2 लिखेंगे तब भी इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 ही आएगी, तो यहाँ से ये स्टेप हमने कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 1 की जगह पुट कर दी। नीचे देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की टर्म बन रही है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है, बात समझ में आ गई, तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको ए माइनस बी ए प्लस बी लिख सकते हैं, तो इसको क्या लिख देंगे, कोस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 और कोस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, ऐसा लिख सकते हैं, कोई समस्या थोड़ी है। अब क्या करेंगे, देखो ऊपर स्टेप देखो क्या बन रही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये टर्म बन रही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, तो इसकी जगह ये टर्म पुट कर देंगे, इसकी जगह ये टर्म पुट करेंगे, क्या स्टेप आएगी, टेन इनवर्स, कोस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, नीचे क्या टर्म थी, कोस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 और कोस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, ये टर्म थी, अब देखो इसमें ये एक टर्म कैंसिल हो गई, कोस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 से कोस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 कैंसिल हो गया, बाहर टेन इनवर्स है तो अंदर टेन बनाने के लिए टेन की फॉर्म बनाएंगे, और टेन की फॉर्म बनाने के लिए इस कोस एक्स बाई 2 को ऊपर कॉमन ले रहे हैं हम, कोस एक्स बाई 2 को कॉमन ले लिया, कोस एक्स बाई 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ तो 1 आएगा, कोस एक्स बाई 2 की जगह, तो कोस एक्स बाई 2 की जगह क्या आएगा, 1 आएगा, यहाँ कोस एक्स बाई 2 है नहीं, नहीं है तो ये कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा, स्टेप क्या बनेगी, साइन एक्स बाई 2 अपॉन कोस एक्स बाई 2, नीचे भी सेम यही प्रोसेस करेंगे, कोस एक्स बाई 2 कॉमन लेंगे
यहाँ क्या आएगा, वन माइनस साइन एक्स बाई टू अपॉन कोस एक्स बाई टू, कोस एक्स बाई टू से कोस एक्स बाई टू कैंसिल हो जाएगा, स्टेप बन गई टेन इनवर्स वन प्लस टेन एक्स बाई टू अपॉन वन माइनस टेन एक्स बाई टू। अब देखो ये फॉर्मूला बना सकते हैं हम, ये फॉर्मूला ही हो गया, कैसे हो गया, टेन ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी, ये फॉर्मूला होता है, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। अब देखो टेन ए, ए की जगह वन आ रहा है तो टेन 45 की वैल्यू क्या होती है, वन होती है, टेन 45 या टेन पाई बाई फोर, ए की बात है, वैल्यू क्या होती है इसकी, वन होती है, तो वन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, टेन पाई बाई फोर लिख सकते हैं, टेन पाई बाई फोर प्लस टेन एक्स बाई टू अपॉन वन माइनस टेन पाई बाई फोर टेन एक्स बाई टू, कोई फर्क पड़ेगा क्या, देखो टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी, टेन पाई बाई फोर की वैल्यू वन होती है, वन इंटू टेन एक्स बाई टू, टेन एक्स बाई टू रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसकी शक्ल इसमें मिल रही है, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी, ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, देखो टेन पाई बाई फोर प्लस टेन एक्स बाई टू क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू, टेन से टेन इनवर्स कैंसिल हो गया, स्टेप क्या आई हमारी, स्टेप क्या आ जाएगी, वाई इक्वस टू टेन से टेन इनवर्स कैंसिल हो गया, क्या स्टेप आएगी, पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू। अब इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, इजी क्वेश्चन बन गया, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स, इधर स्टेप क्या आएगी, पाई बाई फोर, देखो कॉन्स्टेंट है इसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, प्लस वन वाई टू का होगा नहीं, डिफरेंशिएशन किसका होगा, एक्स का, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है, वन होता है, तो स्टेप क्या आ गई, वन वाई टू, ये इसका आंसर आ जाएगा, इतनी बार ठीक है क्या, वाई इक्वस टू पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वस टू वन बाई टू, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है टेन इनवर्स टू की पावर एक्स प्लस वन अपॉन वन माइनस फोर की पावर एक्स, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए देखो, सबसे पहले यहाँ पर बाहर टेन इनवर्स है तो या तो अंदर क्या बनेगा, टेन टू थीटा बनेगा या टेन थ्री थीटा बनेगा, इस स्टेप को हम थोड़ा सा ऐसे लिख रहे हैं, टेन इनवर्स टू की पावर एक्स डॉट टू लिख सकते हैं इसको, देखो बेस इक्वल होता है तो पावर ऐड हो जाती है, टू की पावर एक्स इंटू टू की पावर वन, टू की पावर एक्स प्लस वन बन जाएगा, अपॉन क्या है, वन माइनस फोर की पावर एक्स है, इसको टू की पावर एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखो अगर 2 की पावर x की जगह हम क्या रख दें, टेन थीटा रख दें, 2 की पावर x की जगह क्या पुट कर दें, टेन थीटा पुट कर दें, 2 की पावर x की जगह टेन थीटा पुट कर दें, तो यहाँ पर x की वैल्यू यानी कि थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, टेन इनवर्स 2 की पावर x आ जाएगी। यहाँ देखो फॉर्मूला बनेगा, टेन टू थीटा का एक फॉर्मूला होता है, टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसकी शक्ल इसमें मिल जाएगी कब, जब टू की टेन थीटा टू की पावर एक्स की जगह क्या रख दें, टेन थीटा रख दें, तो टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ये फॉर्मूला बनाने के लिए हमने टू की पावर एक्स की जगह क्या रखा है, टेन थीटा रखा है, तो यहाँ थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स टू की पावर एक्स आ जाएगा। ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, टेन इनवर्स टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये स्टेप बनेगी।
अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, टेन टू थीटा लिख सकते हैं, टेन इनवर्स टेन टू थीटा। क्यों लिखा? क्योंकि ये टेन टू थीटा का फॉर्मूला है। टेन से टेन इनवर्स एक्स कैंसिल हो गया, वाई की वैल्यू क्या आ गई, टू थीटा। थीटा की वैल्यू वापस पुट कर दो, थीटा की वैल्यू क्या है, टेन इनवर्स टू की पावर एक्स। थीटा की वैल्यू क्या है, टेन इनवर्स टू की पावर एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। सबसे पहले हमने देखो 2 की पावर x प्लस 1 है, इसको 2 डॉट 2 की पावर x लिख लिया। 2 की पावर x इसे क्या पुट किया है, टेन थीटा पुट किया है। थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स 2 की पावर x आ गई। टेन थीटा पुट करेंगे तो क्या आएगा, 2 टेन थीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा आएगा, जो किसका फॉर्मूला है, टेन टू थीटा का फॉर्मूला है। 2 थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स 2 की पावर x आ गई। ऐसे इस क्वेश्चन को सोल्व किया है। अब इसका क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे। डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का क्या हो जाएगा, dy by dx हो गया। इधर देखो 2 है कांस्टेंट, इसका नहीं होगा, होगा किसका, tan इनवर्स 2 की पावर x का होगा, इसका ही तो होगा। अब इसका हम आसानी से कर सकते हैं। देखो tan इनवर्स x का क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर होता है, तो 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर यानी 2 की पावर x का होल स्क्वायर। अब ये यहाँ पर 2 की पावर x है तो इसका डिफ्रेंशिएशन फिर करना पड़ेगा हमें, 2 की पावर x का डिफ्रेंशिएशन फिर होगा। स्टेप क्या बनेगी, dy by dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 अपॉन 1 प्लस 4 की पावर x। 2 की पावर x, a की पावर x का डिफ्रेंशिएशन हम जानते हैं क्या होता है, a की पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, a की पावर x log a, ये तो फॉर्मूला होता है। यहाँ a की जगह क्या है, 2, तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर x log 2। स्टेप क्या बन गई, देखो 2 की पावर x और 2 इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाएगी, क्या हो जाएगा, 2 की पावर x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 4 की पावर x log 2। ये इसका आंसर आ जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। और बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें। धन्यवाद।